तो भाई डल लेक मैं मतलब वोटिंग करने के पश्चात तो हम लोग आए पीछे मदन ढाबा में। हमने क्या पर लंच काफ़ी अच्छा रीजनेबल प्राइस पे खाना 470 में चार लोगों ने भरपेट खाना खा लिया। सो गाइस दिस इज आदि, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग। पिछले ब्लॉग में आपने कहा था मैंने आपको दिखाई थी डल लेक श्रीनगर की, उसमें क्या क्या आप एक्टिविटी कर सकते हैं वो सब कुछ। और फिलहाल हम लोग का अभी प्लान है मतलब ये डे का पहले वाला दिन में हमने की थी बोट राइडिंग, शिकार राइडिंग, और नेक्स्ट हाफ डे में हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं श्रीनगर शहर को। तो चलते हैं अपनी गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी वाले भाई साहब बाहर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं मॉर्निंग से, तो गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं श्रीनगर को एक्सप्लोर कर। पूरा ब्लॉग पूरा देखना, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना ताकि और अभी और शेयर करना। तो घूमते हैं पूरा श्रीनगर, यहाँ क्या क्या विजिटिंग प्लेस है। अभी कुछ ऐसा नज़ारा है देखिए चारों ओर का, थोड़ा मौसम अच्छा होता तो साफ साफ तो आपको और अच्छा दिखाई देता है। ये तो आपको दिखाया था सारा नज़ारा आपका डल लेक पहले जा रहे हैं शंकराचार्य जी के मंदिर बिल्कुल टॉप पे, जो मतलब हमारा पहला डेस्टिनेशन है श्रीनगर में घूमने के लिए। तो भाई साहब भी रेडी हो गए और हम सब लोग बैठे हुए गाड़ी पे, पहले वहाँ जाते हैं अपनी गाड़ी से फिर उसके बाद देखेंगे कहाँ का प्लान हमारा बनता है। तो ये सामने का नज़ारा कुछ और है और माल लूट कुछ ऐसी है। सिक्योरिटी चेक होती है बहुत दिक्कत से आरपीएफ करती है, उसके बाद हमको स्टेयर चल रही है जो करीब आपके 250 के करीब है और ये डायरेक्ट हमको पहुँचाएंगी सीधे शंकराचार्य जी के मंदिर में। तो ये है देखिए शंकराचार्य जी टेम्पल, पूरा ऊपर तक नज़ारा देखिए, इससे चारों ओर का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ अभी कुछ देर में। लगभग मतलब 250 से स्टेयर चढ़ के हम लोग आए नीचे से और बिल्कुल श्रीनगर के टॉप में ये मंदिर है। यहाँ से उधर का नज़ारा देखिए और ये देखिए टेंपल। तो आप देखिए यहाँ से चारों ओर का नज़ारा आदि शंकराचार्य मंदिर के टॉप से, ये नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरे श्रीनगर शहर का। थोड़ा मौसम और किससे क्लियर रहता तो और आपको अच्छा दिखाई देता। ये देखिए कितने ऊँचे में ये मंदिर बना हुआ है, बिल्कुल टापू में मंदिर ऐसा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरे श्रीनगर का नज़ारा, नीचे पूरी डल लेक है जो हम कुछ देर पहले घूमे थे पिछले ब्लॉग में आपने देखा था। सामने जो टॉप में टापू है वो है हरिहर फोर्ट, ये वाला, यहाँ जाना अलाउड नहीं है। और देखिए पूरा शहर, ऑलमोस्ट पूरा शहर लेक के ऊपर ही बसाया है। तो मैं आपको दिखा रहा था ना गाँव वाले अपनी नाव से आते हैं इस पार पूरा,
तो वो वही पूरे गांव वाले हैं जो कबूतरखाना गांव है, तो वही गांव वाले इधर आते हैं नाव से और अपना सामान वामान लेके फिर वापस जाते हैं नाव से उधर। तो पूरा शहर कितना बड़ा है और पूरा शहर डल लेक के किनारे ही बसा है। अवधातारम अवानुचानम अवशिष्यम अवपश्चात्तात अवपुरस्तात अवुत्तरात्तात अवदक्षिणात्। लेक इतनी बड़ी है, मतलब इस शहर से बड़ी तो लेक हम लोग ना पिछले कई किलोमीटर चल रहे हैं और लेक खत्म होने का मतलब ही नहीं। और वो लेक में हम जो एक जो हम घूमे थे वो हम एक छोटा सा हिस्सा घूमे थे, उसमें 4 घंटे लगे। और पूरी लेक घूमने में तो पूरा लगता है कि एक दिन से भी कम लगे। जाते परी महल की ओर को तो पीछे चेकिंग होती तो वापस उतार देते हैं, यहाँ चेकिंग बहुत होती है। फिर भी जा रहे हो तो गाड़ी से उतारेंगे, सारा सामान हाथ पर लेना पड़ता है, चेकिंग करते हैं फिर वापस गाड़ी में जाकर बैठो 100 मीटर। तो अभी हमें परी महल के अंदर एक आदमी का अंदर का एंट्री फीस है 24 रुपीज़, यानी कि 4 लोग के 100 रुपये, क्योंकि 4 रुपये वापस उठाए नहीं। तो ऐसा कुछ है देखने में परी महल। और यहाँ से कुछ नज़ारा है श्रीनगर का, ये देखो बहुत प्यारा सा मैंने कहा काफ़ी खूबसूरत। अगर यहाँ से आप नज़ारे की बात करें तो यहाँ से देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये महल इतना बड़ा है, नीचे भी देखो बैठने के प्लेस हैं, यहाँ से लेके बिल्कुल टॉप तक आप इस महल में जा सकते हो। वो ऊपर टॉप तक 4th फ्लोर है पूरा, इतना क्या सुंदर दृश्य है। पूरा श्रीनगर शहर भी दिखाई दे रहा है इसमें, देखिए क्या मज़ा आ गया। लास्ट नज़ारा देख लीजिए परी महल का, हम लोग ऊपर टॉप से आगे नीचे पूरा, और ये बहुत खूबसूरत है। देखो ना सामने पूरा श्रीनगर लेके आज बादल भी छाए हुए थे और अच्छा व्यू आ रहा था। मैं टिकट दिखा दिया था। तो ये सामने है मुगल गार्डन चश्मे शाही, और यहाँ से लेना है इसका टिकट 24 रुपये पर पर्सन। कितनी घूम के? हाँ ये मुगल गार्डन है ये। अच्छा हाँ ये तो बहुत बढ़िया बनाया है उन्होंने। अच्छा परी महल अच्छा लगा आपको? बहुत ही अच्छा बाजी वहाँ तो यार। अच्छा हाँ यार, जहांगीर के बेटे ने वहाँ पीर के कहने से मनाया था परी महल। अच्छा बता दूँगा, मेरे को तो पता है, आपने बता दिया लोगों को। मम्मी तो कैसा लग रहा है घूम के कश्मीर में? थक गई मैं तो। मम्मी थक गई, नहीं आएगा तुम? कैसा लग रहा है? खूब फोटो खिंचा लिए, फोटो खिंचा लिया। और निहारिका को तो फूल वाली जगह इतनी पसंद है कि कुछ पूछो मत, है ना। तो अभी मुगल गार्डन आ गए, तो ये है सिट्रस चढ़ चढ़ के। थोड़े क्या होगा कि नज़ारे ज़्यादा अच्छे आते हैं, आबो हवा भी अच्छी है यहाँ की। फोटोग्राफी आप करा सकते हो लोगों से अपनी,
कश्मीरी ड्रेस पे, साथ साथ में यहाँ पे फाउंटेन लगा हुआ है, ऐसे कुछ बीच बीच में ऐसे नदी चल रही है, साथ साथ में ऐसे कुछ पेड़ हैं बहुत खूबसूरत से, और मतलब फीलिंग हमारी हवा की अच्छी फीलिंग आ रही है, ताज़ी ताज़ा हवा चल रही है और बहुत खूबसूरत खूबसूरत फूल। और मौसम कितना अच्छा रहा, मौसम बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया हो रहा है, ठंडा है ना गर्म है, ना गर्म है, मार्च का महीना है लेकिन ठंडा रात तो बहुत होता है। अंदर एक वो है मतलब गुम्बद टाइप का है, ये भी मतलब मुगल गार्डन है, तो मुगल शासकों ने बनाया होगा ऑलमोस्ट, इसलिए तो काफ़ी अच्छा खूबसूरत है। यहाँ भी आप आ सकते हैं, 24 रुपये देना है निहारी का, कितने रुपये देना है? 24। कितने लोग का? चार लोग का, एक। हाँ निहारी का पहले कैसे? चार लोग का 24 तो बड़ा सस्ता है, मैंने कहा नहीं 100 रुपया पूरा ले रहे हैं, 96 रुपये 4 रुपये वापस दे रहे हैं, उससे बोल रहे हैं हैव अ गुड डे सर 4 रुपये के लिए। हाँ चार एक्स्ट्रा क्या रुपया। तो ये नीचे भी है पूरा मुगल गार्डन, और ऊपर भी है, देखो भीड़ कितनी है आप देख लीजिए, ऊपर तक देखो पूरे वाइट वाइट कलर के फूल खिले हुए हैं आसमान में, और ये देखो खूबसूरत से पेड़, और यहाँ से जो लेक का व्यू है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। देखो सामने वहाँ पर है हरि सिंह फोर्ट, ऊपर है आपके शंकराचार्य टेम्पल, वो ऊपर है परी महल, और इधर है मुगल गार्डन। ऊपर भी जो मुगल गार्डन चश्मे शाही था ना, वहाँ का जो पानी का सोर्स था, वहाँ का पानी नेहरू जी से दिल्ली आता था यहाँ कश्मीर से, मैं सोची कि उस पानी की कितनी वैल्यू, सब लोग पानी पी रहे थे वहाँ पे, हम लोगों ने पिया लेकिन काफ़ी मीठा था, एक ठंडा पानी था, पहाड़ की तासीर वाला पानी होता सेम वैसा ही था एकदम से, तो यहाँ से पानी नेहरू जी के लिए जाता था दिल्ली। तो हम आ गए हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, क्या नाम है निहारिका इसका? बॉटनिकल गार्डन, निहारिका का एक्चुअली नाम ही याद ही नहीं है, गार्डन गार्डन बॉटनिकल गार्डन चश्मे शाही, इसका नाम भी चश्मे शाही, ऊपर था मुगल गार्डन चश्मे शाही, यह है बॉटनिकल गार्डन चश्मे शाही, चश्मे शाही मतलब धारे का नाम है जहाँ का पानी नेहरू जी पीते थे, लोग यहाँ पे अच्छे से फोटो वोटो खिंचा रहे हैं, देखो ये क्या फोटो है पोस्ट था, वैसे निहारिका को वैसे फोटो देना है, मज़ा आ गया ना निहारिका। तो देखिए ना यहाँ पे जो बॉटनिकल गार्डन में कलाकारी की गई है पेड़ों पे, इतने खूबसूरत खूबसूरत पेड़ हैं, आप देखो कितना प्यारा सवारा सजाया सवारा गया, सेम वाला पेड़ देखो आप लोग दबा के फोटो खींच रहे हैं, वो वाला पेड़ तो फूल से पूरा लाल रहता है, ये चीड़ का पेड़ है यहाँ पे, और ये देखो उधर को देखो आप क्या प्यारा नज़ारा है, वाह मज़ा आ गया, ये वाला गार्डन ना काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा अगर आप देखोगे तो गार्डन की खूबसूरती बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर कुत्ते लड़ने लग गए थोड़ा, कुत्ते से देख के मेरे को डर लग रहा है, उधर जाके देखते हैं, उधर येलो येलो कलर के फूल हैं बहुत प्यारे प्यारे, उधर जाके देखते हैं। तो देखो ये गार्डन अब बाकी काफ़ी बड़ा है, इस बीच में एक छोटी सी लेक भी है, उसके किनारे से जा रही है गाड़ियाँ, और ये देखो फ्लावर इतने प्यारे प्यारे खिले हुए हैं, हैं और वहाँ पर चाय की कैंटीन भी है और चाय भी पी जा सकती है, देखो क्या मस्त मस्त सा फूल खिले हुए हैं पूरे गार्डन में। अभी टूलिप गार्डन एक्चुअली बंद है क्योंकि वो खुलने वाला है 20 मार्च के बाद, 20 मार्च से 20 अप्रैल खुला रहेगा, तो वो बंद है, तो हम वो वहाँ नहीं जा पाएंगे। तो निहारी का मम्मी लगाए लग गए हैं मेहंदी यहाँ पे, आप कहाँ के रहने वाली हैं? बिहार से है ना, अभी आप कश्मीरी लग नहीं रही थी इसलिए हम कह रहे थे हम भी बिहार से ही है ना, इसलिए आप बिहार कब गए? अब यूपी भी तो बिहार में ही आता है, आपके लिए हटाए यूपी बिहार नहीं बोलते। मम्मी के देख रहे हो बूढ़ी गोली लाल लगाऊ पापा से इस बात से खिल खिला के, हाँ दिल जवान होना चाहिए, तो बॉटनिकल गार्डन के बाद आप लंच डिनर चाय नाश्ता सबसे खरीदने के लिए बहुत चीज़ें हैं, यहाँ से भी सब कुछ खरीद सकते हैं। तो ऐसा है पूरा श्रीनगर
काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी बेहतरीन और सुलझे हुए लोग एकदम से आपको पूरा गाइड करेंगे और पूरी हेल्प करेंगे श्रीनगर को एक्सप्लोर करने में। तो मिल कैसा लगा आपको ब्लॉग, कमेंट करके लाइक कीजिए, जो कीजिएगा चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आदि ब्लॉग के साथ। नेक्स्ट कौन सा ट्रिप है वो देखना जरूर, बहुत अच्छी सीरीज है ये कश्मीर वाली, आपको बहुत बढ़िया लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आदि ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।